हरियाणा के पानीपत तो लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर सुखा अरेस्ट हो गया है। सुखा उही है जिसनू सलमान खान नू मारन दा काम दिता गया सी। लेकिन ये सुखा है कौन, उसकी हिस्ट्री की है, अज इस वीडियो विच असी आही तुहानू दसन जा रहे हैं। दरअसल सलमान खान दे घर उत्ते जो फायरिंग हुई सी, उस केस विच दो बदमाशा नू मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया सी। इन्हां बदमाशा तो पुछगिछ की जा रही सी। इस इन्वेस्टिगेशन दे दौरान बदमाशा ने सुखा दा नाम लिया सी। इन्वेस्टिगेशन दे दौरान ही सुखा दा नंबर भी मुंबई पुलिस नू इन्हां बदमाशा ने दे दिता सी। उसी टाइम तो मुंबई पुलिस सुखा दी तलाश कर रही सी। जिस तरह ही सुखा दा मोबाइल ट्रेस होया ते लोकेशन पानीपत दी आई, मुंबई पुलिस ने हरियाणा पुलिस नाल एक जॉइंट ऑपरेशन किया ते सुखा नू अरेस्ट कर लिया। हुण असी अपने संवाददाता गणेश नाल जुड़न जा रहे हैं ते उन्हां तो पुछते हैं इस केस की होर डिटेल्स। ते गणेश, सब तो पहला सानू दस दिओ कि अरेस्ट कित्थों हुई, किस तरह हुई। ये मुंबई पुलिस नहीं तो नवी मुंबई पुलिस की पनवेल सिटी पुलिस है, जिन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ में ये जॉइंट ऑपरेशन किया है। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले सलमान खान का फार्म हाउस जो पनवेल में है, उस फार्म हाउस की रेकी की गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से और उन पर हमला करने की पूरी साजिश रची गई थी। तो रेकी करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ और लोग थे और जो शूटर था वो ये सुखा कालुया शूटर था, जो लॉरेंस बिश्नोई का एक शार्प शूटर है और इसी को काम लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था सलमान खान पर फायरिंग करने का पनवेल के फार्म हाउस के पास। लेकिन जब रेकी करने वाले उस समय पकड़े गए थे, पुलिस ने वो पूरा मॉड्यूल बर्स्ट कर दिया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, तब से सुखा फरार था और आज पानीपत से उसे गिरफ्तार किया गया है ऐसी जानकारी मिल रही है और उसे जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है ऐसी भी जानकारी मिल रही है। सुखा कालुया ये एक शार्प शूटर है और एक बड़ी कामयाबी मान सकते हैं। जैसे जब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नकेल कसने की पूरी कोशिश तमाम राज्यों की पुलिस कर रही है, खासतौर पर मुंबई, नवी मुंबई और हरियाणा पंजाब की पुलिस कर रही है, तो उसमें ये एक सफलता हम निश्चित कह सकते हैं, क्योंकि सुखा को पकड़ने की कोशिश कई दिनों से चल रही थी और ये बड़ा शूटर है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर किस पर भी हमला कर सकता है कहने पर। तो सलमान को मारने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने इसको दी थी, लेकिन रेकी करने वाले उस समय पकड़े गए कुछ लॉरेंस के गैंग के लोग, तो ये फरार हो गया था, ये पुलिस के हाथ नहीं आया था और अब पुलिस के हाथ चढ़ा है। इससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कई गतिविधियां सामने आ सकती है कि आखिर अब कितने लड़के उसके पास हैं, किस तरह काम चल रहा है और किस तरह आगे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग बड़ी है। सलमान को लेकर कोई और अपडेट उसके पास मिल सकती है कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है। और बाबा सिद्दीकी के बारे में भी अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जब सामने आ रहा है तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी इसके पास कुछ इनपुट हो सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के अभी के शूटर्स, उसका अभी का नेटवर्क किस तरह आगे बढ़ रहा है, क्या करता है, इस बारे में भी इसके पास जानकारी होगी। इसलिए इसकी जानकारी, इसकी गिरफ्तारी बड़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई का, जैसे मैंने कहा, शार्प शूटर था और सबसे पहले जब सलमान पर हमला करना या सलमान की हत्या करने की साजिश रची गई थी तो इसका या इसको काम दिया गया था, यानी लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है, हरियाणा में इसका एक नेटवर्क है। और इसके अगर इंस्टा के पोस्ट देखोगे आप तो इंस्टा पोस्ट में ये बंदूक लेके चलता है, वहाँ बुलेट्स रखता है और सबको कहता है, खुद को शूटर भी कहता है, सुखा शूटर। तो ये एक क्रिमिनल है जो कुछ भी कर सकता है लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर या उसके लिए। तो बड़ी सफलता, क्योंकि अभी भी मुंबई पुलिस ने दो शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के मामले में गिरफ्तार किया है, शिवान नाम का शूटर बाहर है और लॉरेंस बिश्नोई ने जब इसको सलमान की सुपारी दी थी तो लगभग अब भी इसको सलमान के बारे में क्या एक्शन लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है या उसकी गैंग करना चाहती है, ये जरूर जानकारी होगी। तो मुंबई पुलिस के लिए और नवी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, हरियाणा पुलिस के साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। कि ये पता चल पाया है कि एना दे किन्ने लोग एक्टिव ने जोड़े कि सलमान खान मुंबई विच टारगेट कर रहे ने? जी देखिए, ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होगा, उस पर अब मुंबई पुलिस लगी है। अभी आईबी भी इस पूरे हत्याकांड के बाद मुंबई में और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर काफी सतर्क हुई है, उनसे इनपुट लिए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार काम कर रहे हैं और किस प्रकार क्या साजिश रच रहे हैं। तो नेटवर्क बहुत बड़ा है, अब सुनने में ये आया है कि उसके पास 1000 से ज्यादा लड़के हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, शूटर्स हैं, छोटे छोटे गाँव से उन्होंने लड़कों का एक नेटवर्क खड़ा किया है। तो तमाम जानकारियां हैं और उस जानकारियों को कोलैबोरेट करने के लिए अब सारी एजेंसीज काम पे लगी हैं, मुंबई पुलिस भी उसमें काम कर रही है और सुखा की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता फिलहाल के लिए मानी जा रही है। पुलिस की जांच दी दिशावा की ने कि दाऊद द एंगल भी इन्वॉल्व है,
ते शिवा कुमार दी अरेस्ट किन्नी को जरूरी सी? जी देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस की जांच कुछ दिशाओं में जा जरूर रही है, और सलमान एक बड़ा बड़ा एंगल है कि सलमान के पास या सलमान के बेहद करीबी थे वो, सलमान के दोस्त थे, उसमें दाऊद का एंगल भी जोड़ा जा रहा है। तो ये तमाम एंगल्स हैं जिनकी जानकारी, जिनकी तहकीकात, तफ्तीश मुंबई पुलिस कर रही है। और आपको बता दें कि वो तीसरा शूटर है इसमें शिवा कुमार, उसकी गिरफ्तारी बहुत अहम हो जाती है। इस वजह से उसको पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की टीम्स मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर कई जगहों पर पहुंची है, हरियाणा पंजाब से संपर्क में है, आईबी के जरिए उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मेन शूटर था, उसने मेन काम लिया था और उसको ही ये सारी जानकारी थी कि आखिर एग्जीक्यूशन के ऑर्डर किसके थे। तो क्या सलमान खान ही वजह है सबाबा सिद्दीकी की मौत का या हत्या का, या एक कवर अप सलमान के नाम का लिया गया है ताकि जो मेन परपेट्रेटर्स हैं वो इसकी आड़ में छुप जाएं और उनकी जो जो सही कारण है हत्या का वो सामने ना आ पाए। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ सुई शक की सुई नहीं, हम उसी की तरफ फिलहाल तो जांच की दिशा जा रही है, क्योंकि शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की एक मोडस ऑपरेंडी है, वो कुछ स्पेसिफिक हैंडल से तुरंत ही अगर उसने शूट या हायरिंग की होगी, उसने शूट आउट कराया होगा, तो वो ओनरशिप लेता है, वो उसको बताता है कि मैंने किया है और ये किस वजह से किया है, जो अब तक नहीं हुआ है। इसीलिए मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा कई दिशाओं में जारी है, एसआरए के मामले से लेकर कुछ विजी रंजिश हो या लॉरेंस बिश्नोई को सलमान के प्रति जो गुस्सा था उसी वजह से किया है, ये तमाम जांच की दिशाएं हैं जिस पर मुंबई पुलिस काम कर रही है, जिस पर एजेंसीज की मदद ली जा रही है, और बहुत जल्द उसमें कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा ऐसी उम्मीद और आशा उन्हें है। ते हुन की पुलिस सुखा नु मुंबई लेके आएगी? जी देखिए, नवी मुंबई पुलिस के पास उसकी कस्टडी होगी, क्योंकि उनके केस में वांटेड था। नवी मुंबई में सलमान खान का फार्म हाउस आता है पनवेल में, और उस फार्म हाउस में सलमान खान पर को मारने की साजिश रची गई थी। तो कस्टडी उस केस में अगर मिलती है तो ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे नवी मुंबई पनवेल सिटी पुलिस की को दिया जाएगा, और वहां पर आगे का जो प्रोसीजिंग्स है वो शुरू रहेगा। तो मुंबई उसको लाया जाएगा, यानी नवी मुंबई में लाया जाएगा, पनवेल में उसको उसके खिलाफ जो मामला है उसमें गिरफ्तारी होगी। लेकिन उससे पहले कुछ और गिरफ्तारियां अगर हरियाणा और पंजाब में दूसरे केसेस में करना है तो कस्टडी किसको मिलती है बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके खिलाफ कई सारे केसेस हैं। लेकिन कोशिश यही है नवी मुंबई पुलिस को इसको नवी मुंबई में लाया जाए, क्योंकि सलमान का मामला पूरा गरमाया हुआ है, बाबा सिद्दीकी का एंगल उनसे जुड़ रहा है, तो उससे तहकीकात करना बहुत जरूरी है, उससे क्या इनपुट मिलता है इसकी तरफ भी सबकी निगाहें होंगी, सारे एजेंसीज की निगाहें होंगी। इसमें कुछ और शूटर्स वांटेड थे, लेकिन मेन शूटर इसका नाम आया था, और बाकी रेकी करने वाले 3 से 4 लोग मेरी जितना मुझे याद है शायद गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 2 लोगों ने फिजिकल रेकी वहाँ पर की थी। तो ये पूरा एक मॉड्यूल था जो सलमान के लिए बिश्नोई गैंग की तरफ से बनाया गया था, उनको ये काम दिया गया था, कई दिनों तक वो वहाँ रहे पनवेल के पास, कभी मुंबई में घर किराए पे लिया, मूवमेंट सलमान की नज़र रखते रहे, तो शूटर करके इसको काम दिया गया था। लेकिन बाकी जो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट और रेकी करके इन्फॉर्मेशन देने में गैंगस्टर्स के लोग मौजूद थे या गैंगस्टर्स मौजूद थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो इसकी गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे आगे की लिंक पुलिस को मिलने वाली है। ते तुहानू इह दस दईए कि ए एक मुंबई पुलिस की वड्डी अचीवमेंट मानी जा रही है, क्योंकि ऐसी शार्प शूटर नू सलमान खान नू मारन दा काम दिता गया सी। तुहानू इह दस दईए कि इस दौरान सलमान खान दे करीबियां उत्ते भी हमले होए ने, इस विच एपी ढिल्लों दे घर उत्ते फायरिंग इनवॉल्वड है, इस विच गिप्पी गरेवाल दे घर उत्ते फायरिंग भी सी, नाल ही हाल ही विच होए बाबा सिद्दीकी दा मर्डर भी ऐसी केस नाल जुड़िया होया है। फिलहाल इस खबर विच कोई भी अपडेट होएगी असी तुहानू दसते रहांगे। फिलहाल एबीपी सांझा नू तुसी सब्सक्राइब कर लो।